मैं सच बताऊंगा ठीक है, गीता पे याद रखते, ये क्वेश्चन जो है बनेगा, ये क्वेश्चन 100% बनेगा, 100% 100 का मतलब 100 है, फिर कम कुछ भी नहीं है, फिर कम कुछ भी नहीं है ठीक है। तो समितियां देखो, समितियां कितनी समितियां है विधानसभा में, टोटल 22, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में कुल कितनी है 22। गणपूर्ति कितनी जरूरी है, कोरम, तो कोरम ध्यान रखो, कोरम ठीक है, कोरम ध्यान रखना, कोरम जो है 1/3। अच्छा, समितियों में जो जो भी हेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको सभापति बोलते हैं, सभापति कहते हैं समितियों के अध्यक्ष को ठीक है, सभापति कहते हैं समितियों के अध्यक्ष को, अध्यक्ष नहीं कहते, सभापति ठीक है, समितियों के अध्यक्ष को, अध्यक्ष को। अभी ध्यान रखो कितनी समितियां हैं, 4 वित्त समितियां, 4 वित्त समितियां ठीक है, कितनी है 4, 4 कौन कौन सी है, तो एक तो अपनी लोक लेखा या प्रजन लेखा, जन लेखा, दूसरी कौन सी है, नंबर 1, नंबर 2 प्राकलन समिति, ये दो टाइप की है, प्राकलन समिति एक राजेंद्र पारिक है एक दयाराम परमार, तो प्राकलन समिति ए और प्राकलन समिति बी ठीक है, और एक है पब्लिक अंडरटेकिंग राजकीय उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग राजकीय उपक्रम, कितनी होगी 4 ठीक है, 4 ये होगी क्लियर। अब हम बात करें यहां पर, एक कमेटी है, दो कमेटियां, नियम कमेटी और कार्य सलाहकार कमेटी, और कार्य सलाहकार कमेटी, इनके हेड कौन होते हैं, विधानसभा स्पीकर, कौन होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष एनसीपी जोशी ठीक है, ये ध्यान रखें। दूसरी ये बात है कि वित्त समितियां ना समितियां, इनके चुनाव होते हैं, प्रॉपर चुनाव होते हैं ठीक है, प्रॉपर जो है एक संक्रमणीय मत प्रणाली से चुनाव होते हैं, कार्यकाल 1 साल होता है ठीक है, कार्यकाल 1 वर्ष होता है, जो भी मतलब बनेगा इनका हेड वो विपक्ष का नेता बनेगा, विपक्ष का नेता बनेगा, लेकिन बाकी के चुनाव नहीं होते, बाकी के जो है चुनाव नहीं होते ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बाकी वाली समिति ओनली वित्तीय समितियों के, कुछ राजा की सभी सभी समितियों के चुनाव होते नहीं ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक कमेटी और है, दो चीजें और यहाँ पर है ना, वो है एक तो ये देखो लाइब्रेरी जो है ना, पुस्तकालय कमेटी, इसमें सदस्यों की संख्या है 10 ठीक है, 10 जो है वो है अपने इसकी, और सदासार कमेटी, एक कमेटी है इसका नाम है सदासार, सदासार इस कमेटी में संख्या कितनी है मेंबर की 9, बाकी में सब, बाकी में 15 है सब में, बाकी में मैक्सिमम, बाकी में सब में 15 ठीक है, 15 ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि विधान परिषद वही नहीं, 15+7 22 या फिर जो भी बोलो आप, लेकिन वही नहीं विधान परिषद ठीक है, इसलिए तो ये हो गया। दूसरी महिला और बालक कल्याण, इनकी अभी अनिता बदेल है ठीक है, महिला और बालक अनिता बदेल, इसमें मेंबर तो 15 होंगे लेकिन मैक्सिमम जो महिला होगी 10 वुमेन, कितनी होगी 10 महिलाएं होगी, कितनी होगी 10 महिलाएं होगी। लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है सामान्य प्रयोजन समिति, ये समिति ना इसमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती, सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति, इसमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती, क्या होती है, सदस्यों की संख्या डिफाइन नहीं होती, ये क्वेश्चन पूछा गया है टेक्निकल असिस्टेंट में, सदस्य संख्या निश्चित नहीं, देखो पॉलिटी सुबह भी रिवीजन हो रही है, शाम को भी रिवीजन हो रही है ठीक है, सदस्य संख्या निश्चित नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे, क्या सदस्य संख्या निश्चित नहीं होती है। अब ये दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देख लो फटाफट ना, समितियां टोटल कितनी 22, गणपूर्ति कितनी 1/3, 4 ऐसी वित्त समितियां हैं, जनलेखा, प्राकलन, राजकीय उपक्रम, ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा पिछली बार 2016 ठीक है, पूछा कि इनमें से वित्तीय समितियां नहीं है, तो वहां पर एक कोई कमेटी देगा पुस्तकालय समिति, वो नहीं है, इनका प्रॉपर चुनाव होता है, कार्यकाल 1 वर्ष होता है उसका नेता ठीक है। साथ में बात करूं तो नियम समिति, कार्य सलाहकार, इनके जो है वो हेड कौन होंगे, जो भी है वो विधानसभा अध्यक्ष, इसके जो सभापति होंगे ठीक है। इसके अलावा अगर यहां पर बात करूं मैं तो पुस्तकालय में टोटल 10, सदासार में 9, अगर एक क्वेश्चन आ जाए जितनी भी 22 समितियां हैं सब में इक्वल सदस्य होते हैं क्या, इक्वल नहीं, इक्वल नहीं होते, क्योंकि पुस्तकालय में 10 है, सदाचार में 9 है, महिला में टोटल में 10 महिलाएं ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि इन कमेटियों के हेड कौन कौन है, इन कमेटियों के हेड कौन कौन है ठीक है, तो ये मैं इतना लिखूंगा नहीं, लेकिन आप देख लो एक बार, प्राकलन समिति क, प्राकलन समिति क, राजेंद्र पारिक ठीक है, प फॉर प्राकलन, प फॉर पारिक, राजेंद्र पारिक। अब जो दूसरी है कि भाई ये कमेटी है, ये कमेटी सबसे बड़ी होती है, इसलिए अगर सबसे ज्यादा कमेटी बड़ी कौन सी होती है, ये कमेटी, क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 तो 15 इसमें और 15 इसमें ठीक है, तो 30 हो गए तो ध्यान रखेंगे। तो इसकी सहायता करने के लिए दया, दयाराम परमार ठीक है, राजेंद्र पारिक पर दया आ गई, क्या आ गई, तो दयाराम परमार, दयाराम परमार ठीक है, दयाराम परमार, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी राजकीय उपक्रम समिति, अभी रिसेंट में डिस्कस की थी, हमाराम चौधरी, राजकीय उपक्रम समिति ठीक है, अभी शायद मुझे लगा खाली होगी, राजकीय उपक्रम समिति, हिमाराम चौधरी, हिमाराम, तो अपने बाड़मेर का तो जो है राज है ना, किसमें राजस्व जो भी पद दिया जाता है वो बाड़मेर वालों को दिया जाता है, राजस्व मंत्री कौन है, वो सारा का सारा जो भी पद मिलता है बाड़मेर वालों को मिलता है, हिमाराम ठीक है। नियम समिति आप ध्यान रखेंगे, सीपी जोशी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सदासार दीपेंद्र ठीक है, दीपेंद्र बिल्कुल एकदम सदासार, दीपेंद्र सिंह, कौन, दीपेंद्र सिंह ठीक है, सदासार दीपेंद्र सिंह। पर्यावरण समिति, मंजू देवी अपने, पर्यावरण समिति कमेटी होती है पर्यावरण, जिसके कौन है सभापति, कौन है, मंजू देवी, कौन है, मंजू देवी ठीक है, मंजू देवी, मंजू देवी, एक का नाम है संकुतला, ये 3 महिलाएं ध्यान रखेंगे, 3 महिलाएं इनमें समितियों में, एक तो अनिता बदेल ठीक है, और एक अपने मंजू देवी, एक संकुतला, ये विशेष अधिकार, संकुतला, ये कौन सी कमेटी की, विशेष अधिकार, विशेष अधिकार समिति, विशेष अधिकार समिति ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे। सबका कार्यकाल 1-1 साल होता है, सबका कार्यकाल 1-1 साल होता है, इसको ध्यान रखेंगे। स्थानीय निकाय, यानी राज, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय समिति, इनके कौन है, अभी सारे लिखूंगा नहीं मैं, नॉर्मल आपको बता देता हूं ना, स्थानीय निकाय जो है इनके कौन है, राजकुमार शर्मा ठीक है, स्थानीय राज, स्थानीय राज बोलते हैं, स्थानीय राज, स्थानीय राजकुमार शर्मा ठीक है। अधीनस्थ विधान समिति, समिति के ये नरेंद्र बुडानिया, और याचिका समिति अर्जुन, अर्जुन क्या करते हैं, याचिका, तो याचिका समिति जो ये अर्जुन, ये अपने अर्जुन, याचिका ठीक है, याचिका। सरकारी आश्वासन संबंधी समिति में भंवरलाल ठीक है, और प्रसन्न संदर्भ में बजेंद्र ओला, बजेंद्र जी क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो प्रसन्न और संदर्भ कमेटी में, क्वेश्चन और रेफरेंस कमेटी में ये बजेंद्र, और पर्यावरण मंजूरी बता दिया। पुस्तकालय में रामनारायण मीणा, पुस्तकालय में क्या है, रामनारायण मीणा, जिसके 10 सदस्य होते हैं, बताया था आपको, पुस्तकालय में कौन है, रामनारायण मीणा, रामनारायण मीणा पुस्तकालय में ठीक है। अल्पसंख्यक में कौन है, अल्पसंख्यक में अमीन खान ठीक है। पिछले वर्ग में बात करूं तो मैं जितेंद्र सिंह, एसटी में बात करूं तो महेंद्र जीत मालवीय ठीक है, और एससी की बात करूं तो अशोक बेरवा, एससी में अशोक बेरवा, अशोक बेरवा, एसटी में बात करूं तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय, महेंद्रजीत सिंह मालवीय ठीक है। ओबीसी की बात करूं तो जितेंद्र सिंह, कौन, जितेंद्र सिंह, कौन, जितेंद्र सिंह। अब इस कमेटी से ज्यादा क्वेश्चन कहां से आएंगे बताओ, अब क्वेश्चन कहां से आएंगे, अब क्वेश्चन कहां से आएंगे बताओ सर जी अपना ठीक है, समझ गए इस तरीके से, बिल्कुल 93 लाइक हो चुके हैं, जल्दी से जो लाइक की संख्या बढ़ा दो, क्लियर हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन, देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने 70% COVID-19 वैक्सीन टीकाकरण करने में सफलता प्राप्त की, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन ठीक है। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना, मौसम ये भी बदल जाएगा, आगे क्या था, आगे क्या था, अभी एक रिसेंट में डायलॉग फेमस हो रहा, हेलो मैं ये हूँ, अरे तू कौन है, तू कौन है ठीक है, ऐसे करके मैं ये हूँ लेकिन तू कौन है, ऐसे पर्यावरण समिति बिल्कुल ठीक है, आपने दो चीज़ें बताई।